पहला फूड ब्लॉग है, होपफुली आप एंजॉय करेंगे, बहुत ही मजे की ये चार होने वाले। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं हरिये से हो गए, हमारी वीडियो का मजे से देख रहे होंगे। मैं हूं दनान अलवी। मैं हूं तौसीफ अलवी। मैं हूं कबीर अलवी। तो दोस्तों, आज आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, समथिंग स्पेशल। अगर आप इस वीडियो पे नहीं हैं, तो हमारी पिछली दो वीडियो हैं जिसमें हमने गेम खेली थी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहां से देख सकते हैं। सबसे पहले इस वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो देखें। उसके बाद वीडियो में हमने गेम खेली थी जिसमें तौसीफ भाई हार गए थे, और इन्हें सजा के तौर पे हमने आज एक डिमांड की है कि आप हमें बास्केट चाट खिलाएं, और आज इन्होंने बोला कि मैं आपको अपने हाथों से मेहनत से बनाएंगे, अपने हाथों से बास्केट चाट बना के खिलाएंगे। यही बात है, यही बात है। और इनके आज जेब खर्च बहुत हुई है, बहुत जेब खर्च है मेरे, जेब बहुत दिली हुई है। सही बात, सजा थी ना आपके लिए। और ये एक किस्म का हमारा फूड ब्लॉग भी होगा, पहला फूड ब्लॉग है, होपफुली आप एंजॉय करेंगे, बहुत ही मजे की ये चाट होने वाली है, बास्केट चाट इसका नाम है, करते हैं। और अभी तौसीफ भाई अपने हाथों से ये चाट बनाएंगे, और इस चाट का जो फार्मूला है ना, वो तौसीफ भाई ने अदनान स्वीट्स एंड बेकर ख्वार शॉप है जो मेन बाजार में उधर से इन्होंने लिया है, और ये आपको चाट बास्केट वहाँ से भी मिल सकती है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो तौसीफ भाई बनाते हैं इस चाट को, तो हम देखते हैं। तो सीर भाई अब चार बनाने लगे हैं, और करते हैं इसको स्टार्ट। वाओ, चार बास्केट इसमें हम लगाने लगे हैं चार मसाला। वाओ, वैसे अभी आपको एक चीजों में बता देते हैं इसमें कौन कौन सी रेसिपी है, पहले तो सीर भाई बता दें। जी बता दें, ये चार मसाला है, ये नींबू है, ये टमाटर है, ये आलू है, प्याज, ये शाही चने हैं, शाही चने, ये मीठी चटनी है, अच्छा, ये आलू बुखारे वाली है, अच्छा अच्छा, ये पुदीने की चटनी है, ठीक है, ये दही है, ठीक है, ये नमक है, ठीक है, चाट मसाला और ठीक है, ये जो है ठीक है डेकोरेशन के लिए, और सबसे जो बेहतरीन वो ये है, वो ये बास्केट है। हाँ, ये फेमस है बहुत, इंडिया में तो बहुत मशहूर है, और अभी पाकिस्तान में भी मकबूल होने वाली है। सबसे पहले अभी हम ही इसे खाने वाले हैं, क्यों जी? जी इंशाल्लाह, जल्दी जल्दी करो, मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, शुरू तो करने लगे। चलो, अभी आपने चार मसाला लगा दिया, अभी हमने चार मसाला लगाया, थोड़ा सा लगाया, अभी थोड़ा सा रहता है, तो देखें। इसके अलावा हम ये चम्मच उतारेंगे, और इसमें ये डालेंगे शाही चने। अच्छा जी, ये शाही चने हैं, तो देखें इसमें डालें। इसके अलावा हम अब इसमें डालेंगे हम सलाद, सलाद, आलू। वाह, बहुत ही मजे के बन रही है। इसके अलावा टमाटर। वाह यार, देखो। और इसमें अब डालेंगे हम नमक, नमक अपना जो आप जितना इस्तेमाल करते हैं। ये आज एक किस्म का आप बनाने का तरीका भी बता रहे हैं तौसीफ भाई। ये सब कुछ ना मैं आपको बता रहा हूँ, अब हम इसे रखेंगे प्लेट में,
डालने लगे हैं दही योगर्ट योगर्ट ये देखें इसमें ना जगह अभी बहुत ज्यादा है हम इसमें थोड़ा से प्याज मसाला सलाद जो है बहुत ज्यादा डाल देते हैं आलू भी डालेंगे और टमाटर भी शाही छोले भी हाँ जी एक मिनट ठहरो ना इसके अलावा शाही छोले ये डाल के और इसमें हम डालेंगे पुदीने की चटनी कबीर भाई के मुंह में पानी आ रहा है देखा देख रहा है कब मैं इसे खाऊं इस वक्त तैयार हो तो मैं इसको ये देखें हम इसमें पुदीने की चटनी डाल रहे हैं इसके अलावा फिर हम दही फिर डालेंगे वाह कमाल हो गया यार इसके अलावा अभी पहुंच रहे थे इधर वाह 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 ये दही से ज्यादा बढ़िया होती है सही बात है जी बहुत टेस्टी लगती है इसके अलावा हम डालेंगे मीठी चटनी ये देखें बहुत लजीजा और कुछ जायका बनी हुई है ये देखें ओ यार कमाल का बोल इसके बाद हम इसमें डालेंगे नींबू खूबसूरती के लिए और डालेंगे ये मुरब्बा नीम को काम नहीं है नहीं बहुत ज्यादा है ठीक है इतनी जायका होता है इसका इतने इसके अलावा हम मुरब्बा डालेंगे इसमें वाह भाई वाह इसमें थोड़ा सा मुरब्बा काम हमने डाल लें इसमें थोड़े से ऊपर से शाही चने और डाल दें डेकोरेशन के लिए वाह भाई वाह एंड हो गया वो आप इसे अभी देख सकते हैं देखने में तो अभी चाट पूरी हो चुकी है कमाल हो गया एक चम्मच लेंगे थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे अब चाट मसाला और चाट मसाला और हाँ जी यार बस भी करो अभी खाने के इतना एक मिनट आप ठहरो आप नहीं खानी और किसी ने खानी कमाल हो गया ये चाट मसाला में डाल गया तो बहुत ही प्यारी है हमारी चाट इसकी महक जो है बहुत महक तो यार कमाल की आ रही है थोड़ा सा
सुधीर भाई को बहुत भूख लग गई है ना। ये वो चाट है जिसमें हम जो बास्केट है वो भी साथ दिखाएंगे। चलो तोड़े हैं थोड़ा सा। क्या कर रहे हो यार? वाह वाह बहुत लजीजा हुंदा। सुधीर भाई आप सारे कुछ बताए ना। यार कमाल हो गया, बहुत अच्छी यार, इतनी अच्छी चाट जिंदगी में पहली दफा हम देख पा रहे हैं। बड़ा इतना स्वीट वाला होगा, बहुत अच्छा बन रहा है यार। वाह, जब इसे तोड़ते हैं ना बीच में से। अभी कैमरे को हम ऑफ करने वाले हैं क्योंकि जब वलीमा शुरू होता है तो सब कुछ कैमरे वाला बैठ जाता है। जब वलीमा ऊपर हो जाता है ना कैमरे वाला बैठ जाता है। तो अभी हम वीडियो को ऑफ करने वाले हैं। चाट हमने खा ली है, बहुत टेस्टी, बहुत फंटास्टिक, बहुत अच्छी चाट, बहुत फंटास्टिक, बहुत लजीजा। जैसे यार है देखिए तमाम स्वीट वालों का बहुत अच्छा उम्दा है उन्होंने ना, देखो कितना अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इंडिया में तो ये फेवरेट और फेमस थी और आज पाकिस्तान में भी पाकिस्तान में खा रही है। पाकिस्तान में खाई है, पाकिस्तान भी खा गया, पाकिस्तान में भी खाई है। हां बहुत फंटास्टिक। वैसे हमने जाना था लखनऊ खाने के लिए, हाँ लेकिन उधर जाने नहीं है तो सईद भाई ने कहा मैं आपको इधर ही खिला देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, इन्होंने फिर बनाई है ये चाट। टिकट नहीं मिला है वैसे, अभी हमने ये चाट खाई है ना, अभी ये चाट खाई, इसका हमें पता भी नहीं है तो ये हजम भी हो गई। वो इन्होंने उसमें मसाला भी डाला हुआ था हमने, तो बहुत अच्छी चाट, बहुत अच्छी फंटास्टिक, उम्दा आला कमाल की चाट। और इतना कुछ करने के बाद यार अभी भी आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो यार नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। सही बात है, नाराज हो जाएंगे और पक्के हैं नाराज होंगे। यार सब्सक्राइब कर दें हमारा चैनल और वीडियो को लाजमी लाइक करें। चलने वाले को आदमी को हौसला देना चाहिए, हौसला, क्योंकि हर वक्त हम आपको नई को अच्छी को उम्दा किस्म की चीज बताएंगे। आज का जो व्लॉग जो एक किस्म का था ना, ये तो एक तो सईद भाई पे सजा भी थी, उसके अलावा ये एक किस्म का आपका फूड व्लॉग भी बन गया। और इतनी फंटेस्टिक चाट मैंने पहले कभी नहीं थी खाई, जिंदगी में पहली दफा हमने खाई है। मेरे हाथ में टेस्ट है ना इसलिए, और हमने आप लोगों के साथ शेयर भी की है। और होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। अगली वीडियो के लिए करें हमारा इंतजार, इस तरह के हम नए दोस्त लेकर आते रहेंगे। उम्मीद है हम जल्द वापस आ जाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।